अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के लिए आज जो सबसे बड़ा इवेंट था वो था बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शानदार लिस्टिंग। दरअसल स्टॉक एक बढ़िया तेजी के साथ 120% के करीब प्रीमियम पर ऑलरेडी लिस्ट हुआ और उसके बाद एक अच्छी तेजी से दिखाई भी, अपर सर्किट पे स्टॉक ऑलरेडी पहुंच भी गया और एक शानदार लिस्टिंग के बाद कंपनी 114% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। CNBC आवाज़ से खास बातचीत में MD अतुल जैन ने कहा कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला अब खत्म हो चुका है, मौजूदा स्तर ब्याज दरों में अब कमी ही आएगी। अतुल जैन से खास बातचीत के हमारे संवाददाता कंचन नौटियाल ने आपको सुनवाते हैं। सर, जैसे कि इस टाइम पे हम रेपो रेट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ और ये किस तरीके से आपके बिजनेस में इंपैक्ट कर सकता है एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू लाइक ओवरकम दिस? रेपो रेट का बढ़ना और घटना पूरे कंट्री के मैक्रो से रहता है और कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंकिंग सिस्टम का जो प्राइसिंग रहता है, जो हमको लोन मिलते हैं या जो हम आगे लोन दे पाते हैं, वो इससे लिंक रहते हैं। आज का जो भी डिमांड रहता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, क्योंकि हमारा जो एसेट साइड है वो भी वेरिएबल होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक होता है, और कस्टमर्स को भी जो घर बनाता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उनको मालूम है कि थ्रू द साइकिल कभी रेट ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, और क्योंकि रेट लिंक होते हैं, जैसे रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसका हमने डिमांड पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ते नहीं देखा है। और ऐसा ही, और अभी वैसे भी जो जितना हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी रेट आने वाले समय में, कुछ समय में जब भी होगा तो नीचे ही जाने की आशा है और ऊपर जाने की तो आशा नहीं है। तो बहुत ज्यादा ब्याज दरों में अब बढ़ोतरी की उम्मीदें नहीं है, यहां से अब शायद डाउनसाइड ही खुलेगा इंटरेस्ट रेट्स के अंदर। लेकिन स्टॉक में हालांकि आज एक जबरदस्त तेजी आप देख रहे हैं, 95 रुपये ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है, 70 रुपये का इशू प्राइस के सामने 165 रुपये पर ये स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया है, एक और ब्रेक कराता, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ आशीष बहेती जी मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर, छोटे से ब्रेक के उस पार।